पता नहीं कितनी देर लगेगी अभी ऊपर जाने में, पर ट्राई कर रहा कश्मीर के ख़त्म और लद्दाख के शुरू होने से पहले जो वैली आती है वो है सोनमर्ग। 9,000 फीट की हाइट की ये वैली सराउंडेड है 18,000 फीट की हाइट के इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स से, जो इतनी पास से दिखते हैं कि इनको देखने के लिए भी आपको सर ऊपर करना पड़ेगा। लद्दाख यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह जाता है, बट इतनी पास होने के बाद भी लद्दाख जाना तो दूर की बात, अभी विंटर्स में इतनी स्नो है कि सोनमर्ग का रोड भी बड़ी मुश्किल से खुला है, और जो रोड खुला है उस रोड के साइड में कहीं कहीं तो 12 फीट से भी ज़्यादा स्नो है, और ये रोड भी स्नोफॉल होने पर कई दिन या वीक्स के लिए भी बंद हो जाता है, और इसी रीज़न की वजह से विंटर्स में यहाँ मोस्टली मार्केट और होटल्स बंद रहते हैं। कुछ 2 किलोमीटर में फैले इस विलेज में रहने वाले मोस्टली लोग भी विंटर्स में माइग्रेट कर लेते हैं सोनमर्ग से नीचे लोअर विलेजेस में, और कुछ विलेजर्स विंटर में भी सोनमर्ग में ही रहते हैं। बट इतने हार्श वेदर के बाद भी ये नज़ारे आपको यहां आने से रुकने नहीं देते। और सोनमर्ग में कंप्लीटली स्नो से कवर्ड है सब कुछ। सनशाइन वाला डे है आज, और यहाँ पूरा पूरा स्नो हो रखा है इस टाइम पे, और मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, वो है ना थाजीवास ग्लेशियर। थाजीवास ग्लेशियर कहते हैं उसे, और सोनमर्ग मतलब मेनली इसलिए ज़्यादा फेमस है उस पर्टिकुलर ग्लेशियर की वजह से, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो है। ये ट्रेल थोड़ा सा बना हुआ है तो मैं इसको ही फॉलो कर रहा हूँ, जो भी लोग गए हैं लोकल्स हैं जो भी हैं तो उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। इस ट्रेल को फॉलो करते करते वहाँ वो टॉप उस तक जाने का ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई ही कहूँगा क्योंकि पता नहीं यार कैसे पहुँचना है उधर तक। लोग दूसरी साइड से जा रहे हैं, मैं अलग साइड से जाने का ट्राई कर रहा हूँ जहाँ भीड़ ना हो। बहुत ज़्यादा स्नो है और बहुत ही ज़्यादा डीप है स्नो, बट बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब नीचे से अच्छा लग रहा है, टॉप से तो पता नहीं कितना अच्छा लगेगा। थाजीवास ग्लेशियर का बेस पॉइंट मेन टाउन से बस 3 किलोमीटर दूर है, बट विंटर में इसके बेस पॉइंट तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है।
विंटर्स में थाजीवास के इतना ही पास जा सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा आगे बर्फ है। इतना मज़ा आया इसके ऊपर आने में। ज़्यादातर लोग तो स्लेज के थ्रू आते हैं, मैं पैदल आया। वैसे पैदल भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और देखो तो ज़रा, लुक एट दिस, इतनी अच्छी पीक नहीं देखी मैंने यार इतने पास से कभी, नेवर। बस कुछ देर यहाँ रुककर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी बेचैनी इन पहाड़ों ने ले ली हो। तो सुकून से इस ग्लेशियर को देखने के बाद जब मैं वापस जाने लगा तो मुझे पता चला स्नोमोबाइल के बारे में। स्नोमोबाइल एक टाइप का स्नो स्कूटर होता है जिसे रोड की नहीं बस स्नो की जरूरत होती है, और जो भैया इसे चला रहे थे उन्होंने पूछा चलाओगे? स्नोमोबाइल का पहले पता होता तो ग्लेशियर के टॉप पे पहुंच जाता। सोनमर्ग में टूरिस्ट सेम डे ट्रिप के लिए आते हैं क्योंकि विंटर्स में यहाँ होटल ओपन ही नहीं होते, और इसी वजह से मैं भी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक पाया। बट कुछ दिनों में सोनमर्ग को विंटर्स में भी कनेक्टेड रखने के लिए जेड मोड टनल स्टार्ट हो जाएगी जो ऑल वेदर रोड होगी, और अगली बार जब मैं कश्मीर आऊँगा तो सोनमर्ग लास्ट में नहीं सबसे पहले आऊँगा, क्योंकि सोनमर्ग के इन ग्लेशियर्स में अभी और भी कहानियाँ और भी रास छुपे हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स यूज किए हैं वो सब आप भी यूज कर सकते हैं आर्टलिस्ट की हेल्प से, जहां आपको अनलिमिटेड और रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिलता है, वो भी सिर्फ $9 पर मंथ पर, और मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको 2 मंथ्स फ्री भी मिलेंगे। तो अपनी वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए साइन अप करें आर्टलिस्ट पर।